नंबर 1, सुबह के खाने के साथ देसी गाय के दूध का बना ताजा दही लेने से पेट ठीक रहेगा। नंबर 2, चीनी कम से कम प्रयोग करें, हड्डियां ठीक रहेगी। नंबर 3, चीनी की जगह बिना मसाले का गुड़ या देसी शक्कर लें। नंबर 4, छौंक में राई के साथ कलौंजी का भी प्रयोग करें, फायदे इतने कि लिख नहीं सकते। नंबर 5, चाय की जगह आयुर्वेदिक जूस की आदत बनाएं, निरोग रहेंगे। नंबर 6, रसोई में घुसते ही नाक में घी या सरसों का तेल लगाएं, सिर और फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। नंबर 7, करेला, मेथी और मूली यानी कड़वी सब्जियों भी खाएं, रक्त शुद्ध रहेगा। नंबर 8, मटके वाले से ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएं, दांत ठीक रहेंगे। नंबर 9, प्लास्टिक और एल्युमिनियम रसोई से हटाएं, दोनों कैंसर के बड़े कारक हैं। नंबर 10, माइक्रोवेव ओवन का प्रयोग कैंसर कारक है। नंबर 11, खाने की ठंडी चीज़ें कम से कम खाएं, पेट और दांत खराब करती है। नंबर 12, बाहर का खाना बहुत हानिकारक है, खाने से संबंधित ग्रुप से जुड़कर घर पर ही खाना बनाएं। नंबर 13, तली चीज़ें खाने से बचें, वजन नियंत्रित और एसिडिटी ठीक रहेगी। नंबर 14, मैदा, बेसन, छोले, राजमा और उड़द कम खाएं, गैस की समस्या से बचे रहेंगे। नंबर 15, अदरक, अजवाइन का प्रयोग बढ़ाएं, गैस और शरीर के दर्द कम होंगे। नंबर 16, बिना कलौंजी वाला अचार हानिकारक होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।